हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का। तो आज के इस वीडियो में देखिए, आप सभी लोगों को बताएंगे जो निबंध लिखा जाता है, निबंध लिखने का तरीका कैसा है। आप क्लास 8th से ही इसको लिखते आ रहे हुए हैं, तो मैं आपको आज इस पर निबंध लिखना सिखाऊंगा। जो आपका प्रदूषण है, ये बहुत ही फेमस टॉपिक है, इसी पर क्या आपको निबंध लिखने के लिए भी दिया जाता है। तो क्लास 10th और 12th है जिनका बोर्ड है, उनको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, तभी आपके क्या एग्जाम में नंबर मिलते हैं। अगर आप एक लाइन से शुरू किए लास्ट तक ख़त्म कर दिए तो उसमें नंबर मिलने वाला नहीं रहता है, आपको टीचर दयावान रहेगा तो 5 नंबर दे देता है। तो चलिए, तो मैं आपको निबंध लिखने का तरीका बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर प्रस्तावना लिखा हुआ है, प्रस्तावना लिखेंगे। प्रदूषण पर आपको निबंध लिखना है तो प्रदूषण पहले बारे में उसको समझाएंगे। बस प्रस्तावना गिनकर 4 लाइन की लिखी जाती है, तो उसमें जो देखिए प्रस्तावना में पॉइंट टू पॉइंट लिखा जाता है, तो उसमें आप लिखेंगे प्रदूषण क्या है, कैसे बढ़ता है, कैसे दूर किया जाए। 4 लाइन में मात्र इन चीज़ों को लिखेंगे। इसके बाद प्रदूषण के प्रकार लिखेंगे, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। जैसे आपका देखिए, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इनको पहले आप लिखेंगे प्रदूषण के प्रकार में। अगर आपका ये 10 नंबर का निबंध अधिकतर रहता है तो इसमें क्या करेंगे, फिर से पॉइंट डालेंगे, जल प्रदूषण लिखेंगे उसके बारे में लिखेंगे, फिर मृदा प्रदूषण पॉइंट डालकर उसके बारे में लिखेंगे, फिर वायु प्रदूषण के बारे में इसी तरह से लिखेंगे, इसके प्रकार से ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिखेंगे। इतना सब लिखने के बाद आप अगला लिखेंगे प्रदूषण के कारण, प्रदूषण क्यों होता है उसके बारे में आप लिखेंगे 5-6 लाइन, जितना आप लिख पाएं। बहुत ही ज़्यादा नहीं लिखना है, बस 5-6 लाइन एक एक पॉइंट पे लिखना रहता है। अगला है प्रदूषण के निवारण। इस तरह से लिखने पर आप बहुत ही अच्छी कॉपी दिखाई देती है, और कभी कभार तो एग्जामिनर बिना पढ़े ही कि आपको नंबर दे देता है, बस प्रस्तावना और उपसंहार देखकर। तो यहाँ पर अगला पॉइंट है प्रदूषण के निवारण, इसका मतलब है कि प्रदूषण को कैसे दूर किया जाए, तो इसमें आप वो चीज़ लिखेंगे। उपसंहार में देखिए क्या लिखा जाता है, उपसंहार में आप प्रस्तावना, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, प्रदूषण के निवारण, इन सभी चीज़ों को क्या बहुत ही शॉर्ट में, उपसंहार आपका मात्र 5 या 6 लाइन में लिखा जाता है, वैसे मिनिमम 4 लाइन का भी होता है, तो उपसंहार में आप बहुत ही बारीकी से लिखा जाता है पॉइंट टू पॉइंट, यानी बहुत ही शॉर्ट में उपसंहार में समझा दिया जाता है कि प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, प्रदूषण के क्या कारण और निवारण, इसी उपसंहार में आपको समझाना रहता है। तो इसको हर बहुत ही ईजी होता है। तो इस तरह से आप इन 4 पॉइंट को आप याद रखिएगा। अब देखिए, इसी पॉइंट के माध्यम से आपको कोई भी प्रकार का निबंध दे दिया जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर यहाँ पर आपको निबंध दे दिया जाए, इस समय मान लीजिए आपको कंप्यूटर पर लिखने के लिए निबंध दे दिया जाए, तो कंप्यूटर सबसे पहले प्रस्तावना में लिखेंगे, कंप्यूटर क्या यूज होता है उसका, कंप्यूटर किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों को लिखेंगे। फिर लिखेंगे कंप्यूटर के जो हैं पार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप प्रकार ना लिखना चाहें तो यहाँ पर सीधे लिखेंगे कंप्यूटर से क्या लाभ होता है। फिर अगला लिखेंगे, अगला पॉइंट, कंप्यूटर से क्या हानि होती है। फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, इन हानियों को निवारण कैसे किया जाए, इनको लाभ में कैसे बदला जाए। अब अगला पॉइंट उसी में आप लिख सकते हैं, कंप्यूटर कैसे शिक्षा में क्या आप उसका महत्व को समझ सकते हैं, यानी कंप्यूटर का शिक्षा में महत्व तो आप देख सकते हैं, कंप्यूटर का हमारे दुनिया से क्या उसका महत्व है, यानी हमारे समाज को वह कैसे विकसित कर रहा है, तीन सब चीज़ों को आप उसमें लिख सकते हैं। उपसंहार में क्या लिखेंगे, वैसे कंप्यूटर बहुत कम पूछता है, सबसे ज़्यादा यही आपका पूछता है प्रदूषण वाला। उपसंहार में आप लिखेंगे कंप्यूटर से किसे कहते हैं, लाभ हानि लिखेंगे, उसका समाज में क्या उपयोग है, क्या दुरुपयोग है, वो सभी चीज़ें क्या उपसंहार में मात्र 5 लाइन में लिखना पड़ता है। तो इस तरह से निबंध आपके लिखे जाते हैं। तो आप सभी लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। तो इसी तरह से तमाम वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इतनी देर तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।